सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। शेंगन का आपको पता है कि 5 साल तक का वीज़ा लगना पॉसिबल होता है। जब भी आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं, तो यदि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो तो आप भी 5 साल तक का वीज़ा ले सकते हैं। मीन्स एक बार आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाएगा, उसके बाद आप कंटिन्यू शेंगन में ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत अच्छे चांस होते हैं इसमें। और इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आप मल्टी टाइम शेंगन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो यदि आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसमें हम इसी पर बात करने वाले हैं। यदि आप ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा की फाइलिंग कैसे होती है, तो हमने एक एजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें आप ज्वाइन करके आप सीख सकते हो कि कैसे आप फाइलिंग कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर दी गई ईमेल पे आप एक ईमेल करें, हमारी टीम की तरफ से आपको एक मैसेज आ जाएगा और आप हमारा ट्रैवल एजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे एप्लीकेशन जो है रेडी होती है। और अब हम बात करें कि शेंगन वीज़ा 5 ईयर तक का कैसे लिया जा सकता है। पीछे आपने न्यूज़ सुनी हो तो शेंगन ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अब जो वीज़ा इशू होंगे वो 5 साल तक के लिए हो सकते हैं, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। यदि आप वो कंडीशंस फुलफ़िल करते हो तो तभी आपको वीज़ा मिलेगा। सबसे बड़ी जो उसमें कंडीशन आती है वो यही है कि आपने पहले शेंगन में ट्रैवल किया हो, बट यदि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको वीज़ा मिल सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने अभी ट्रैवल नहीं किया है तो आप कुछ ऐसी गलतियां कर दें कि नेक्स्ट टाइम आप चाह तो रहे हैं कि आपको 5 ईयर तक का वीज़ा मिले बट आपको वीज़ा मिल नहीं रहा, कि उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, कैसी गलतियां हैं कि वीज़ा लगने के बाद आप कर रहे हो तो फिर आपके चांस कम हो जाते हैं। पहली बात, शेंगन ने जो रूल बनाया उसके अकॉर्डिंग यदि आपको फर्स्ट टाइम वीज़ा मिल जाता है और आप उसमें ट्रैवल करते हैं, देन आफ्टर यदि कुछ टाइम के बाद आप सेकेंड टाइम अप्लाई करने जाएंगे तो आपको वीज़ा 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक का मिल सकता है। और इस 2 ईयर के टाइम पे यदि आप कंटिन्यू ट्रैवल करते हैं, कंटिन्यू का मतलब नहीं कि हर महीने करना है या आपको 3 से 4 महीने के बाद करना है, मीन्स 2 ईयर के बीच में आपने यदि एटलीस्ट 3 बार भी ट्रैवल कर लिया तो उसके बाद आप जब नेक्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको 5 ईयर तक का वीज़ा मिल सकता है। बट ऐसा भी है कि यदि आपको पहली बार 30 डेज़ का वीज़ा मिला है और आपने उसके रूल रेगुलेशन फॉलो किया है तो सेकेंड टाइम भी हो सकता है कि आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिले, क्योंकि इस टाइम पे वीज़ा अफसर जो सेकेंड टाइम वीज़ा दे रहा होता है उसको लगता है कि यदि फर्स्ट टाइम पर्सन जो है वो टाइम पे आ तो गया है लेकिन इसकी प्रोफाइल वीक है, हमें डाउट है कि अभी भी इसको वीज़ा यदि हमने लॉन्ग दे दिया तो ये हमारी कंट्री से नहीं आने वाला, तो उस केस में डाउट के केस में वो जो आपको 30 डेज़ तक का वीज़ा देते हैं। क्योंकि 30 डेज़ के वीज़ा में क्या होता है कि आपके पास कम चांस होते हैं कि आप उसको कन्वर्ट कर सको, क्योंकि आप 30 डेज़ के लिए आए हो, कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको वापस जाना पड़ेगा। बट यदि आपको 6 मंथ का मिल गया तो आपके पास हाई चांस है कि आप उसको कन्वर्ट करो। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ का वीज़ा मिला है तो आप 6 मंथ कंटिन्यू रह सकते हो, उसकी भी कंडीशंस होती हैं, आप 90 डेज़ तक रह सकते हो। तो 90 डेज़ बहुत होते हैं किसी कंट्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसलिए वीज़ा अफसर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही वीज़ा जो है इशू करते हैं। बट आपकी प्रोफाइल अच्छी है, मीन्स आपने जब फर्स्ट टाइम प्रोफाइल लगाई थी उस टाइम आपकी फंडिंग, आपके जो डॉक्यूमेंट लगे थे वो ओके थे, लेकिन सेकेंड टाइम जब आपने फाइल करी उस टाइम आपकी प्रोफाइल वीक हो गई, तो फिर आपको वीज़ा जो है लॉन्ग टर्म नहीं मिलने वाला। फर्स्ट एप्लीकेशन से सेकेंड टाइम जब एप्लीकेशन करनी है उसको थोड़ा और स्ट्रांग दिखाएं, उसमें फंडिंग और इंक्रीज करके दिखाएं, अपने इनकम प्रूफ जो है प्रॉपर लगाएं। यदि आपने प्रोफाइल स्ट्रांग की तो आपके हाई चांस रहेंगे कि आपको जो वीज़ा वो 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक का मिल जाए। और यदि आपको उस टाइम 6 मंथ से 2 ईयर के बीच का वीज़ा मिल गया तो फिर आपके लिए एक बड़ी चीज़ हो जाएगी कि आप जब नेक्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो आपको वीज़ा जो है वो 5 ईयर तक का मिल सकता है। तो इस तरीके से यदि आपके प्रीवियस ट्रैवल शेंगन में हो चुके हैं, बार बार आपने काफ़ी बार ट्रैवल कर लिया, या आपने 1 साल या 2 साल के अंदर 3 बार आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो आपके पास हाई चांसेस है। क्योंकि ये रूल भी कहता है, क्योंकि रूल ये भी कहता है कि आपने पीछे कुछ टाइम के अंदर यदि 3 टाइम ट्रैवल किया हुआ है शेंगन के अंदर, यानी आपने 1 ईयर या 2 ईयर के अंदर 3 टाइम ट्रैवल कर लिया शेंगन के अंदर, तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपको 2 ईयर मिनिमम वीज़ा मिलेगा। बट ये गारंटी नहीं होती है कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा लॉन्ग, बट हाई चांसेस हैं। तो उसके लिए आप बस यही करो कि जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन करी है
उसके बाद आप सेकेंड टाइम एप्लीकेशन करने जा रहे हो, तो उसकी क्वालिटी जो है उसमें जो आपकी फ़ाइल के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो और इम्प्रूव होके जाएँ, फंड्स और अच्छे जाएँ, इनकम के और ऐड हो, आपकी सैलरी कुछ बड़ी हो या फिर आपके और एसेट्स इंक्रीज हुए हो, तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप लगाएंगे तो हाई चांसेस रहेंगे कि आपको 5 ईयर तक का वीज़ा मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।